ट्रैक्टर, चलो ट्रैक्टर चालू करो। जैसे होता ट्रैक्टर है चालू करके बताओ जरा सबको। हाथ तोड़ दे। अरे रेंदे रेंदे, राम राम जी। आप सबको बहुत बहुत स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। काफी दिनों बाद भाई ब्लॉग कर रहा हूँ यार, आदत से छूट गई है। आदत से क्या, अपने कार्यस्थल पर यज्ञ था अभी 5-6 दिन, तो उसमें लगे हुए थे श्री राम मंदिर में, श्री राम प्राण प्रतिष्ठा थी तो उसमें लगे हुए थे, तो उसकी पूरी वीडियोग्राफी फोटोग्राफी की, तो वो आपको आगे चल के मैं शेयर करूंगा। अभी चलते जल्दी से भट्टे पे, वहाँ पर आपके लिए एक बहुत यूनिक चीज है, वो जो हाथ से हैंडल घुमा के चालू करते हैं। भाई पंजाब में चलते ऐसे ट्रैक्टर सिंगल सिलेंडर आइसर का है, तो चलिए आपको पहले लेके चलते भट्टे पे, आपको ट्रैक्टर दिखाते हैं, उसके बाद फिर फार्म हाउस पे भी जाना, वहाँ पे स्विमिंग पूल का काम चल रहा है काफी अच्छा, तो स्विमिंग पूल का काम दिखाते हैं, और उसके बाद इंदौर भी जाना है, तो पहले भट्टे पे चल के घर आते हैं, फिर स्विमिंग पूल पे चलते हैं, मतलब फार्म हाउस पे चलते हैं। उसके अंदर अभी स्विमिंग पूल बन रहा है भाई, नहाएंगे उसके अंदर, काफ़ी दिनों बाद मौका मिलेगा नहाने का, तो बाकी यूटिलाइज करेंगे उसको, तो चलते हैं। देखिए ये भाई नया नया नहीं, मतलब ये पुराना, बाकी कल लेके आया इसको, अब देखते इसको चालू करके भाई। वैसे बहुत मतलब ये वैसे पंजाब में चलता है, पंजाब के इधर तो काफ़ी कम देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर है। देखिए इसमें बैटरी की ज़रूरत नहीं, वैसे बैटरी तो लगी हुई है, लेकिन इसमें तो भाई ये वो इंजन जैसे स्टार्ट करना ठक 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 ऐसे स्टार्ट होगा है, तो अब करके बताएंगे स्टार्ट इसको। बाकी बहुत ही जुगाड़ू है ट्रैक्टर, देखिए भाई। ड्राइवर सब आदमी बोल रहे हैं भाई साहब, चलो ट्रैक्टर चालू करो। जैसे होता ट्रैक्टर है चालू करके बताओ जरा सबको। ये है भैया इसका चालू करने का सिस्टम। मत पूछ, डर गई, लग गई, लग गई। हाय 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 हाय, करो है करो लो करियो। आ यहां दो जाने, दो जाने से तो फिर लगता हो गया, तो हम बाल पटक हम, तुम करो 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 बाल पटक रहा हूं। ऐसे ही जाए चालू, घुमाया था हाथ तोड़ दे। अरे रेंदे रेंदे हो जाए नी, अरे पर करना इससे नी, गाड़ी निकालनी, तो देख धो तो निकली रहे यहाँ से, देख गर्म तो कर दिया तुमने क्या। यार
गेट नहीं डाल पा रहा है अभी आए जी हम फार्म हाउस पर। फार्म हाउस पर देखो भाई, अब पीछे का लुक, पूल अपना कंप्लीट होने वाला पूल, और पीछे लॉन भी बन गया, लॉन भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, और पीछे से प्लास्टरिंग वगैरह, मतलब अब लग रहा है यार फार्म हाउस अब लग रहा पूरा कंप्लीट होने पे आ रहा। ये देखिए पूल, मैं आपको ऊपर से दिखाता हूँ। देखो अब देखिए, मैं आपको मेन पर्सपेक्टिव पे लेके चलता हूँ, जहाँ पूल, जहाँ से मतलब मेन लुक आएगा पूरे फार्म हाउस से, आउटर लुक जो रहेगा। तो देखिए ये है मेन आउटर लुक, यही अपना नीचे पूल है भाई। पूरे लुक्स को पूरे कवर किए हुए अपन ने, तो मैं दूसरे रूम में चल के भी आपको देखूंगा से इसका लुक देखता हूँ कैसा दिखेगा। तो ये यहाँ से कुछ ऐसा, ये विंडो है और ये बाहर निकल के बालकनी, और ये बालकनी से लुक। अब देखो और ऊपर चल के मैं आपको और बता देता हूँ, और वैसे स्टेयर काफी अच्छा बना है इसका, स्टेयर बहुत परफेक्ट बना हुआ है इसका, चार फीट चौड़ा है। आवाज बहुत आ रही है यार, बट यहाँ पर बट एनी वे काम तो, वीडियो तो बनानी तो मैं बना लेता हूँ। ये देखिए भाई, ये है इसका यहाँ से सेकेंड फ्लोर से लुक। और अब मैं लेके चलता हूँ आपको सामने से, फ्रंट वाले लुक दिखा देता हूँ इसके। ये देखिए जी, ये है कुछ फ्रंट के लुक, यहाँ पर स्विमिंग पूल की प्लेसिंग, और ये है हम जहाँ पर खड़े, ये लोन है सामने, ये इतना बड़ा लोन है, और ये इसके सामने वाले लुक। आ चुके जी घर इंदौर से, इंदौर गए यार, मैंने दिखाया नहीं आपको, इंदौर गए, इंदौर होके आ गए, लेकिन आ चुके घर। और फार्म हाउस तो आपको दिखा दिया, स्विमिंग पूल का काम अच्छा चल रहा, तो धीरे धीरे काम हो रहा है, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और देखो अब मैं मेटर धो लेता हूँ, तो मेटर धोने के लिए देखो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कैमरा अटकाने के लिए भाई, ये नहीं होगा तो मैं मेटर ही नहीं धोऊँगा, धो दूँगा यार पर आपको कैसे दिखाऊँगा। तो ये है, उसके बाद फिर खर्चा भाई, खर्चा ज़रूरी बताना सबको, कितने का खर्चा लगेगा धोने में। पूरे डव 5 शैम्पू, साइन तो अच्छी मारेगी 10 रुपये में भाई, साइन तो मैं आपको दिखाऊंगा आफ्टर वॉश, पर पहले उसके पहले मैं दिखा दूंगा आपको कि कितनी गंदी हो रही है। और एक बाल्टी है तो घर की बात, और सबसे महंगी चीज़ मम्मी का स्कार्फ, जो कि काफ़ी डांट पड़ने वाली है, बट अब पुराना हो चुका तो इतनी डांट नहीं पड़ेगी, बट हाँ उनके दूसरे काम का तो मैंने अपनी गाड़ी को चमकाने के लिए ले लिया भाई, बाकी डांट तो पड़ेगी, देखते हैं। ये रही भाई हमारी मेटर की कंडीशन, देख लो आप इसको, आफ्टर वॉश में आपको एक बार और दिखा दूंगा। ये ऑयल वगैरह सब लगाते हैं, सर्विसिंग पर गई थी तब से ऐसी हो रही। ये भाई ये क्या कंडीशन हो रही यार इसकी, बहुत गंदी हो रही, बहुत गंदी हो रही, सब दूर से गंदी हो रही। ये देखो, ये देखो भाई साहब, इसको देखो, सबसे साइन मारने वाली चीज़, सबसे गंदी। वैसे क्रोम में एक बहुत बड़ा फ़ायदा है कि इसको ना जब क्लीन करेंगे ना तब बिल्कुल एकदम साइन मारने लग जाएगा, और कलर फेड होने के चांसेस ही नहीं है, कोई कलर फेड होता ही नहीं इसका। बाकी अगर मैं इसको मेट ब्लैक में लेता ना तो वो धीरे धीरे फेड होता है ना, अच्छा नहीं लगता है। 10 साल बाद फिर गाड़ी देखते ना तो फिर ऐसा लगता है कि पुरानी हो गई बहुत, बट ये 10 साल बाद भी क्रोम थोड़े से स्क्रेचेस वगैरह दिखेंगे, बट अच्छा लगेगा, फिर भी अच्छा लगेगा, साइन तो मारेगा धोने के बाद। तो चलो इसको लगाते कहीं ऐसी जगह, वैसे धूप अच्छी है तो आपको सारे सिनेमेटिक्स जो भी जितने भी सब प्यारी प्यारी चीज़ें दिखेगी, तो इसको धो लेते आज। ये लग गई जी हमारी मेटर स्टैंड पे, अब इसकी होगी वॉशिंग, नली पाइप वगैरह तो यहीं पड़ा है, पानी की तो कोई कमी नहीं। तो लगाते कैमरे को इस स्टैंड पे और करते इसकी वॉशिंग।
भाई साहब गिर गया था यार फोन, अच्छा भाई लगा हुआ था। हो मेरे कैमरा के लेंस बच गए, हवा से गिर गया यार, इसकी हाइट थोड़ी सी नीचे करनी पड़ेगी भाई, बाद में करता हूँ मैं बात। बच गया भाई, हवा से स्टैंड इतना ऊंचा लगाया था ना मैंने, यार अगर हवा से ये गिर सकता तो फिर दम नहीं भाई स्टैंड में, इतना महंगा फोन नीचे गिर गया। चलो कोई ना, वो गिरा स्टैंड के बल पे था तो कुछ हुआ नहीं। वैसे मेरे लेंस है पीछे, जिधर से कैमरा चल रहा ना उधर के लेंस, बहुत सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ये, इसको कुछ नहीं होना चाहिए बस, बाकी तो ही। तो चलिए धुल गई अपनी गाड़ी, अब इसको मैं थोड़ा अच्छा सूखे कपड़े से साफ करता हूँ, उसके बाद फिर आपको देता हूँ इसके सिनेमेटिक बढ़िया वाले। हो गई भाई बढ़िया साफ़ हो गई, अब इसके सिनेमेटिक देता हूँ मैं।